बच्चों को तो सियासत में इतनी कम उम्र बच्चों को लाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा, गलत बात है। मगर आज जैसे जुलूस में जब बच्चे तो उन बच्चों के बारे में तो कभी उंगली नहीं उठती है। सुने सुने, ये क्राइम है, पर्चा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अकल नहीं होती बेचारों में, और वो तो माँ बाप के कहने पे चले गए। एक मैंने देखा, एक साहब कह रहे थे चार बच्चों को ले आए अपने, वो जवान बच्चे थे। एक खातून ने वो कह रही है मेरे तीन बेटे हैं, मेरे ख्याल से 12 से और 6 साल की उम्र थी उनकी, वो कह रही है मैं इसको कुर्बान कर दूंगी। तो वो जो माँ है उनकी तो उसकी माँ को सजा देनी चाहिए। आप बात सुने, कैनेडा में रहते हैं, बच्चों को घर छोड़ जाए तो पता चल जाए ना डिपार्टमेंट को कि बच्चे घर में अकेले हैं। अब आप यहाँ की क्या बात कर रहे हैं जाकिर साहब, पाकिस्तान की बात करें, वहाँ पे 22 करोड़ की आबादी और यहाँ पे मुख्तसर लोग हैं यहाँ का। अगर यही कानून तो इमरान खान बाहर मुल्क का कानून तो पाकिस्तान में लाना चाहता तो नहीं आ सकता उसका कानून। आप वहाँ पे देखिए कचरा गार्बेज पड़ा रहता है, स्टॉप स्टैंड पे आपको खड़ा नहीं होना पड़ता, यहाँ पे स्टॉप स्टैंड पे खड़े नहीं होंगे तो आपको टिकट मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या बात कर रहे हैं, पे रूल है, लोग फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में वहाँ रूल फॉलो नहीं करा जाता, कोई रूल नहीं, कोई सिस्टम नहीं है पाकिस्तान में। लोग सुन रहे होंगे इसको, अदारे भी सुन रहे होंगे, अगर उनसे हो सकता है ये काम कि छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को 18 साल से कम उम्र खवातीन को छोड़ दे, तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे। बाकी जो दहशत गर्दी जो इन्होंने करी है उनको जो सजा देनी है आपने, ये मेरा यकीनन जो दहशत गर्दी उसको हकीकत में सजा देनी चाहिए। मैसेज बहुत अच्छा है, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप अगर वो यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो लोग वीडियो बना बना के लगा रहे हैं, उसमें आप मैं एक मोहतरमा की बात कर रहा हूँ, वो जो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह थे वहां पर, वो उसके साथ बदतमीजी कर रही थी और उसको मारने की कोशिश कर रही थी, आगे से उसको बोला कि प्लीज डोंट टच मी, और वो खतर उसको बोल रहा है उस औरत को कि मुझे हाथ मत लगाओ। एक सिर्फ औरत क्या ऐसा काम कर सकती है? मेरा नहीं कह रहा, वेरी गुड, आएगी किसी को थप्पड़ मारेगी, जो लोग हिफाजती काम कर रहे हैं वहां पर ऐसा कर नहीं सकती। फिर इतनी जुबान इस्तेमाल कर रही है वो औरतें के कहने की कोई बात नहीं, हमें क्या पता है कि वो औरत क्या कुछ कर रही होगी, क्या कुछ ऑल पॉल बक रही होगी जो उन्होंने इसको बालों से पकड़ कर लेकर के गए। वो औरतें बच्चों को लाती क्यों है वहां पर, बच्चों में वहां पर जाना। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पाकिस्तान कराची की बात कर रहा हूँ, PAF बेस सब सारी दुनिया जानती है। कराची एयरपोर्ट जहाज से आप उतर के जब सदर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में आता है, एयरफोर्स बेस के बाहर तोप पड़ी हुई थी, उन्होंने एक निशान मतलब यादगार के तौर पर उसकी खूबसूरती के लिए लगा रखी थी, लोग आए अटैक किया तोप उठा करके ले गए। चाहिए विल्सन भाई, इमरान खुद कहते हैं औरतें भी लाओ और बच्चे भी लाओ, ये कल का प्रोग्राम देखा है कितनी औरतें थी। जाफरी साहब मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, सॉरी माजरत के साथ, ये औरतों को लाती है कि लाठी चार्ज होती है, कुछ होता है तो औरतों को सामने करते हैं। मैं उन औरतों के भी खिलाफ नहीं हूँ, ठीक है आप अपने किसी लीडर को पसंद करते हैं, मैं भी बहुत से लीडर्स को पसंद करता हूँ, आप उनको पसंद करते हैं, उनके लिए आप आते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, नारे लगाते हैं, आपका हक है, आप लगाइए। लेकिन ये तो नहीं है कि आप फौज के बारे में या एयरफोर्स के ऊपर आकर के आप अटैक करें और उनके जो जो चीजें हैं वो तोड़ दें। उन्होंने फौजी जो जो बने हुए थे वो सारे डंडे मार मार के तोड़े, मैंने किसी के लिए कुछ नहीं कहा। मुझे उस जहाज का दुख था क्योंकि मैं मेरी फैमिली उसमें बहुत इन्वॉल्व थी, मुझे ये तो नहीं है कि यार आप सारी यादगारें तोड़ करके रख दो, खत्म करके रख दो। आप पड़ोसी ममालिक को क्या बता रहे हो कि हमारी फौज नकारा है, हम नकारा लोग हैं, हम किसी काबिल नहीं है, आप ये मैसेज देना चाहते हैं। और उस पर अगर फौज आकर के उनको गिरफ्तार करती है और लोग आके कह रहे जी मत बोलो उनको, उन औरतों को कुछ मत बोलो, क्यों नहीं बोलो भाई? अगर साबित होता है कि कोई गलत काम कर रहा था वहां पर, कोई गलत इंसान है तो उसको पकड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से उसका ताल्लुक है। इमरान खान साहब ने तो साफ बोल दिया ये मेरी पार्टी के लोग नहीं है, जब उनकी पार्टी के लोग